गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितिका कश्यप आज आपको हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में बताऊंगी। ये मेरा पहला वीडियो है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह मनुष्यों के साथ समाज में रहकर उनसे बातचीत करता है तथा उनके सलाह और मशवरा लेता रहता है। वह अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा को हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है, यानी भाषा की परिभाषा क्या होती है ये सुनो। जिस साधन से हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। यानी जिस साधन से हम इशारों से लिखकर या बोलकर बताते हैं वो हुआ हमारा भाषा। भाषा के तीन रूप में है मौखिक भाषा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मौखिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो मुंह से बोली जाए और कानों के द्वारा सुनी जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हो गया रेडियो, टेलीविजन। अब हमारा आया नेक्स्ट टॉपिक लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचारों को लिखकर और दूसरे इसे पढ़कर समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र को हम लोग लिखते हैं और दूसरे इसे कैसे समझते हैं, पढ़कर। पढ़कर वो हमारी बातों को समझ लेते हैं। तो ये हमारा हुआ लिखित भाषा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? संकेत, यानी इशारे से, संकेत से एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी जिसे इशारे के द्वारा व्यक्त किया जाए या बताया जाए उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र, चित्र के माध्यम से हम किसी को अपनी बातों को समझाते हैं या फिर उंगली के माध्यम से इशारे के द्वारा हम उसे अपनी बातों को समझाने का प्रयत्न करते हैं उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं।